पठानकोट का सिविल अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल की लापरवाही के कारण एक महिला को भरे बाजार में बच्चे को जन्म देना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। ये मामला मीडिया में उछला तो प्रशासन हरकत में आया और अस्पताल प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब चेतावनी दी है। दरअसल डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची एक गरीब महिला को किसी दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि माता या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। पैसे की कमी के कारण जब परिजन महिला को साइकिल रिक्शा पर घर ले जाने लगे तो उसे भरे बाजार में बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि माँ और बच्चा अभी दोनों स्वस्थ हैं। फिर अहीं गए, कहिंदे अहीं वड्डे चल गए, अंदर चल गए नर्सां को, नर्सां नूं कहा चैक करो तो कहिंदियां अहीं नहीं करना हैगा। उन्होंने वेख के ना अल्ट्रासाउंड तो कहिंदे अहीं चैक नहीं करना हैगा तो लै जाओ इन्हों हस्पताल, वड्डे हस्पताल लै गए। उत्थे उन्होंने कहिंदे अंबरसर लै जाओ इन्हां नूं अंबरसर। अहीं फिर गए नहीं, अहीं पैसों का इंतजार करते रहे, पैसे होए नहीं। अहीं रशके ते पा के मैनूं खड़िया उत्थे बिल्लू शाह ते दुकान ते बच्चा हो पिया। तो मुड़ के अं घर आए, लै के आ गए। तो मुड़ के अं ना कहते ही जनानी बचानी आ तो बच्चा नहीं बचना, तो जे बच्चा बचाना तो जनानी ने बचनी। उन्होंने ये कहा सरकारी पठानकोट, उन्होंने कहा ही अं चैक भी नहीं करना, लै जाओ। कहते ना उत्थे अंबरसर ही हो सकता बच्चा, मशीन च लगना है जनानी भी बच्चा भी। मंग यो करने सारियां, इदा ही जिदा हम इदा किसी जवाब ना मिले, सारियां दे सही होने चाहिए केस। हाँ वो ना पहले ना मेरे बाबी के ना दर्दा पीड़ा उठने लग पियाँ सी, तो फिर ना उन्होंने पठानकोट लै गए। उत्थे जवाब मिल गया है, उन्होंने ना एम्बूलेंस की पर्ची कटा के देती, कहते भी तुम इन गुरु नानक हॉस्पिटल लै आओ, असं मतलब ये केस नहीं फट सकते। उन्होंने इस तरह जवाब देता भी अगर जो तुम बच्चा बचाना चाहते हो गए फिर माँ बचे माँ मर जाएगी, अगर तुम माँ बचाना चाहते फिर बच्चा मर जाएगा। इस तरह उन्होंने कहता, फिर अं इन्हों घर लै आता, फिर ना ना कहते इन्होंने दर्दा पीड़ा उठने लगे, इन्होंने कुछ रशके के पाता, तो ना इन्हू ना रशके के लैके गए। तो जी है ना अड्डे इन्होंने मतलब बच्चा हो गया हैगी नहीं की ना लेंगे बिल्लू शाह की दुकान नहीं, वो इधरली साइड हो गया बच्चा। तो वह कहें है भी ना कि लेंदे बाद च मार करके साढ़े जुम्मे पैना है, तो कहते ये केस नहीं है असं फट सकते, इन्हों परची कट के दे देने एम्बूलेंस की, इन अंबरसर लै आओ गुरु नानक हॉस्पिटल। की मांग करते जिस तरह गुमराह किया गया डॉक्टर वालों, मतलब भी ना कि लेंदे है। हूँ तो मेरी भाभी भी ठीक है, बच्चा भी ठीक हैगा, गान खुश हो जाते क्योंकि किसी ने भी जाना ही उत्ते तरह लैके और गान खुश हो जाता है, फिर के उन्होंने ही पहनी सी। ये मामला पिछले 1 सितंबर का है। उस शाम सरना निवासी ज्योति कुमारी अपने सास के साथ प्रसव के लिए सिविल अस्पताल पहुंची थी। वहां मौजूद स्टाफ ने ये कहकर उसे अमृतसर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया कि उसका केस बहुत ही खराब है, इसलिए हम डिलीवरी नहीं कर सकते। ज्योति ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने पहले उसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाकर वापस स्टाफ के पास आई तो रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने उसे अमृतसर ले जाने के लिए कहा। इस मामले पर चर्चा हुई तो सिविल सर्जन अदिति सलारिया सामने आई और मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि SMO को मामले की उचित रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। अगर अस्पताल स्टाफ या कोई डॉक्टर महिला के इलाज में लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे है कि इस रिगार्डिंग जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे रिक्शा में किसी लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है, उस लेडी के बारे में मैंने SMO से बात की और उनकी तरफ से मेरे को यही अभी तक अपडेट मिले हैं कि वो 5th ग्रेविडा थी और वो लेबर पेन में नहीं थी। तो इस रिगार्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक टीम बनाई है जिसमें कल एक पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और स्टाफ नर्स बच्चे को और लेडी को जो है मदर है पोस्टनेटल केयर के लिए दोनों भेजे हैं। बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी हम इंक्वायरी करेंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उसको पूरी सज़ा मिलेगी।